हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कॉइन को टॉस करना सबसे अच्छा, सबसे फेयर वे माना जाता है ये चीज डिसाइड करने के लिए फुटबॉल गेम में, कि कौन सी टीम शुड गेट द बॉल, विच टीम शुड गेट द बॉल, कि किस टीम को बॉल मिलेगी गेम स्टार्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ऐसा हमने फुटबॉल गेम में नहीं बल्कि क्रिकेट में भी देखा है ना, कि कौन सी टीम बैटिंग पहले स्टार्ट करेगी। तो इसके लिए, ये डिसाइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं, है ना। इसको डिसाइड करने के लिए भी कॉइन टॉस करते हैं कि कौन सी टीम बैटिंग पहले स्टार्ट करेगी। तो दिस इज अ पॉइंट कि हमेशा ये कॉइन का टॉस करना ही फेयर वे क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, ओके, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसे डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ओके। अब आ जाते हैं अपने इस टॉसिंग अ कॉइन पर। तो कॉइन को टॉस करने में क्या होता है, कॉइन को टॉस करने में दो बातें हो सकती हैं, या तो हमें हेड मिलेगा, है ना, या तो हमें टेल मिलेगा, दो में से एक चीज आएगी। अब हेड का आना और टेल का आना, इन दोनों के चांसेस देखते हैं कि क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी मींस अ चांस, ओके। तो अगर हम हेड के आने के चांस देखें, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड और टेल में हेड एक बार ही है, तो फेवरेबल आउटकम तो वन हो गए, है ना, और टोटल आउटकम तो दो हमें दिख रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वन बाई टू। इसी तरह से अगर हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालें, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, ये भी 1/2 आएगी, क्योंकि टेल भी एक बार आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब जिन दो चीजों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ऐसी इवेंट्स कहलाती हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या कहलाती हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, मीन्स जो इक्वली होंगी, बराबर तरह से होगी, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। मींस हेड आना और टेल आना टॉसिंग अ कॉइन में इक्वली लाइकली इवेंट है। तो अगर किसी को, किसी के पास हेड आता है या किसी के पास टेल आता है, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हुआ है, है ना। तो क्योंकि दोनों के चांसेस बराबर थे, तो ये एक अच्छा तरीका हुआ ना ये चूज करने का, कि कौन बैटिंग करेगा या कौन बॉलिंग करेगा, या फुटबॉल की टीम में कौन पहले, किसको पहले बॉल मिलेगी गेम स्टार्ट करने के लिए। तो रीजन यहाँ बेसिकली यही है कि ये जो टॉसिंग है कॉइन में, हेड आना या टेल आना इक्वली लाइकली इवेंट्स है। और तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं, इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि टॉसिंग है कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू चूज विच टीम Which team get the ball? Which team get the ball? Because the probability of getting a head or t
are same, so the events are equally likely to happen. इस तरह से आप अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.